वन कैन सी सम हाउसेज वन दैन डज नॉट ब्लो हम जब कभी रेत नहीं उठती है तब कुछ घर दिख जाते हैं एवरी वन इन माधव फैमिली इज अपसेट माधव की फैमिली में सभी लोग अपसेट हैं एवरी समर देयर इज़ वॉट स्कॉट स्कॉट सिटी इन हीज प्लेस स्कॉट सिटी मीन्स कमी ओके हर वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की यहाँ बहुत कमी होती है दिस ईयर इट इज़ वॉर्स डिड नॉट रेन एट ऑल और इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है इस बार और भी कंडीशन वॉस्ट है लोंगर डिस्टेंस टू फीच वाटर एज द नियर बाई पौंड ऑल्सो ड्रैड अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए पास वाली जो पौंड है तालाब है वह सूख गई है each day they spend hours just to get four pots of water har roz char ghare pani jutrane mein unke kai ghante nikal jate hain while walking on the hot sand their feet burn and blister just cannot be avoided और गर्म रेत पे चल चलकर उनके पैर तो जलते ही हैं छाले भी पड़ जाते हैं When the rain, when the train कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी गांव में जब रेल की पानी आती है रेल से पानी आता है तो गांव में बहुत ही खुशी की लहर उठती है माधव फादर गोज टू पेच वाटर इन हिज कैमल कार्ड बट दिस डज नॉट हैपन ऑफेन और माधव के पिताजी ऊँट गाड़ी में पानी लाने जाते पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता पीपुल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं सम पीपल कलेक्ट वाटर दिस इज डन बाय ए स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स दैट मींस टंका कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं यह खास तरह से किया जाता है टंका बनाकर डू यू नो व्हाट इज टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट क्या तुम जानते हो कि टंका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं ओके टू बिल्ड ए टंका लीड टंके को ढक्कन से बंद रखते हैं द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो डेट द रेन वाटर कॉलेक्टेड हेयर फ्लो स्ट्रो ए पाइप इन टू द टैंक और टंके के लिए घर की छत को कुछ ढलाव बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टंके में इकट्ठा हो सके ए सी इज अटैच टू द माउथ टू ऑफ द पाइप सो डेट नो डॉट गोज इन टू द टैंक दिस वॉटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन और फिर उसे छत की नाली पर जाली लगा दी जाती है जिससे कूड़ा कचरा टंके में ना जा सके समटाइम माधोज इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंक्स ऑफ द विलेज और यह पानी साफ करके पीने के लिए काम में लाया जाता है कभी कभी गाँव में एक टंके के से माधव को भी पानी लेने देते हैं ओके थिंक वॉट आर द डिफिकल्ट पीपुल फेस ड्यू टू स्कॉसिटी ऑफ वाटर आपको सोचने हैं कि पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होगी देर आर सम क्वेश्चन

हाउस माधव के घर में पानी भरकर कौन लाता है तो माधोज सिस्टर एंड मदर गो टू द पोर्ट टू फिच वाटर एंड माधोज फादर गोज टू फिच फिच वाटर इन हीज कैमल कार्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट कॉलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज फुल ड्रिंकिंग वाटर वाई टंके का पानी ज़्यादातर पीने के काम में ही आता है क्यों द वॉटर इन टंका इज फिल्टर्ड एंड कवर सो द वॉटर कोलेक्टेड इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर कोलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल इफ यस हाउ अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारे घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता दी हाँ तो कैसे तो नो देअ द रेन वाटर इज नॉट कॉलेक्टेड इन माई हाउस नेक्स्ट क्वेश्चन कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और भी तरीका है हो सकता है तो यस वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट ड्रम्स एंड टैंक्स इट कैन आल्सो बी कलेक्टेड बाय सेटिंग बाई वाटर कलेक्शन यूनिट ओके जस्ट लाइक माधव सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कारी इन हर हाउस माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की बहुत किल्लत रहती है सी लिव्स इन भावनगर वाटर इज सप्लाइड वनली फॉर हाफ एन आवर इन ए डे वह भावनगर शहर में रहती है नल में के रोज केवल आधे घंटे पानी आता है ऑल द पीपुल ऑफ एरिया डिपेंड ऑन वनली ए सिंगल टैप मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर निर्भर होते हैं कैन यू इमेजिन वॉट हैपन सोचो कितना बुरा हाल होता होगा सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप व्हेन एवर शी गेट अ चांस शी फिल हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप और सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है जब उसे मौका मिलता है वो बूंद-बूंद करके भी अपनी बाल्टी को भर लेती है लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल ए बाउल और ए मग आप पता लगाइए कि कितने बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी डो एक्टिविटी एज इन पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेज यहाँ पर जित में दिखाए गए तरीके को प्रयोग करने और पता लगाने की खाली कि ये जो चीज़ है वो कितने ड्रॉप्स में फिल होती हैं और इस ये खाली से बॉक्सेस बने हुए इसमें आपको फिल करने हैं ओके हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल ए स्पून एक इस चम्मच में कितनी बूंदें होगी एक चम्मच को फिल करने में कितने बूंद की ज़रूरत होगी हाउ मेनी स्पूस विल फिल ए बॉल एक बॉल को फिल करने के लिए कितने स्पून पानी की जरूरत होगी हाउ मनी बॉल्स विल फिल ए मग एक मग को फिल करने के लिए कितने बॉल की जरूरत होगी बॉल्स की हाउ मैनी मग्स विल फिल ए बकेट एक बकेट को फिल करने के लिए कितने मग वॉटर की जरूरत होगी ओके नेक्स्ट हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वॉटर ड्रॉप बाई ड्रॉप देखो बूंद बूंद से मिला कितना पानी ओके नेक्स्ट जस्ट थिंग इफ ए टैप लिक्स इवन ड्रॉप बाई ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, दिस पिक्चर शो फॉर सम थिंग सिमिलर अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो कितना पानी बर्बाद होगा इन चित्र में ऐसा ही कुछ दिया गया यहाँ पे टैप से बूंद बूंद से पानी गिर रहे हैं ओके नेक्स्ट कैन यू थिंक ऑफ वेस्ट ऑफ सेविंग वाटर राइट योर सजेशन बिलो यहाँ पे आपको अपने सजेशन के लिखने हैं पानी की बचत के लिए तुम क्या क्या सोच सकते हो अपने सुझाव के लिखो समिप्स ऑन सेविंग वॉटर डोंट लिव टैप ओपन हमें अप टैप को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए डोंट लिव टैप ओपन ओके नेक्स्ट डू नॉट keep the running keep the tap running while running while brushing or teeth and uh, taking bath okay next रिपेयर एनी लीकेज इन पाइप लाइन पाइपलाइन में कोई भी लीकेज हो तो उसे तुरंत रिपेयर करा पाइप लाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू सीन वॉटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर क्या तुमने घर में या स्कूल में या रास्ते में पानी का बेकार बेहतर देखा कहाँ तो यस इन द पार्क नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर्स ऑन द टेक्स्ट पेज एंड डिस्कस कैन वी यूज द वाटर दैट हैज बीन यूज फॉर वन पर्पज फॉर टाइम समथिंग एल्स जो तो देखो और चर्चा करो क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उस पानी में कुछ और काम कर सकते हैं yes we can reuse reuse water why आ uh, reuse was water which was used for one purpose for example water after washing vegetable and cloth can be used for watering plant यदि हम पानी को आ uh, washing vegetable के लिए या तो cloth के लिए use कर रहे हैं तो उसके water को हम reuse कर सकते हैं water plant को watering प्लांट को वाटर दे के ओके नेक्स्ट ड्रो लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो डेट सेम वाटर कैन बी रीयूज वन एग्जाम्पल हैज गिवेन अलग अलग रंगों से लाइन खींचकर दिखाने कि किस काम के बाद क्या काम करोगे जिससे वह पानी बार बार इस्तेमाल हो सके जैसे कि एक उदाहरण आपको शो किया गया है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस यूजिंग द टॉयलेट एंड वॉशिंग क्लॉथ्स मोपिंग द फ्लोर क्लॉथ्स के कपड़े को धोए हुए को हम फ्लोर पे मोपिंग पोच सकते हैं फ्लोर को साफ कर सकते हैं और वॉशिंग हैंड्स और फेस का किए हुए पानी को हम टॉयलेट में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव गिवन सम सजेशन टू री यूज वाटर पीपल यूज़ दिस मैटर ओनली अंडर कंडीशन वेन देयर इज अ स्किटी ऑफ वाटर तुमने पानी की बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीके से हो जाए ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है डू यू नो वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्कॉट सिटी ऑफ वाटर इज बिकॉज पीपुल वेस्टेड जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं जस्ट थिंग हाउ गुड इट वुड बी एवरी वन गॉट वाटर सोचो कितना अच्छा होता अगर सभी को पानी मिले ओके डैट इट Thank you.